हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन में जो फ़ोन डायलर है या तो फिर कॉन्टैक्ट है उसको अगर आप लोग यहाँ पे क्लियर कैसे करते हैं इस तरीके से। सपोज़ यहाँ पे आप लोग इस तरीके से क्लियर स्टोरेज में जाके क्लियर डेटा या तो फिर क्लियर कैसे करेंगे, तो आप लोग ये जानना चाहते हैं कि क्लियर कैसे करने के बाद क्या आपके फ़ोन का जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो क्या डिलीट हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज़, अगर आप लोग जो है ये कॉन्टैक्ट के एप्लीकेशन और जो फ़ोन डायलर के एप्लीकेशन दोनों को अगर आप लोग यहाँ पे स्टोरेज में जाके क्लियर ऑल डेटा करेंगे, तो फिर भी आपके फ़ोन पर जो आपने नंबर सेव किया है अपने फ़ोन में, कोई भी नंबर, जितना भी नंबर आपने सेव किया है, तो वो सारे जो नंबर हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी डिलीट नहीं होंगे, क्योंकि वो नंबर जो है आपके फ़ोन पर सेव ही रहेंगे। ओके, सेव होता है तो सेव ही रहेंगे। आप लोग यहाँ पे क्लियर डेटा वगैरह करेंगे तो वो सब जो है बिल्कुल भी डिलीट नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आप लोग जो है बिंदास यहाँ पे क्लियर कैचे कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग डेफिनेटली क्लियर कैचे वगैरह कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपका जो नंबर है सेव रहे वो सेव ही रहेगा। अगर आप सेव नंबर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाके वहाँ से नंबर को आप लोग वन बाय वन डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।